इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से खेलते नजर आए अंगक्रुश रघुवंशी इन दिनों चर्चा में है। इसका कारण उनका एक कमेंट है। जी हां, गौतम गंभीर के मेंटोरशिप में खेलने वाले अंगक्रुश रघुवंशी ने हाल ही में भारतीय बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल पर कमेंट कर दिया। इसके बाद वे विवादों में आ गए। सोशल मीडिया पर उन्हें फैंस के गुस्से का सामना करना पड़ा। जी हां, मामले को तूल पकड़ता देख क्रिकेटर ने माफ़ी मांग ली। दरअसल रघुवंशी ने साइना नेहवाल को लेकर कहा था कि अगर तेज़ गेंदबाज जसप्रीत बुमराह 150 की रफ्तार से उन्हें गेंदबाजी करेंगे तो साइना कैसे खेलेगी। इसके बाद फैंस उन पर भड़क गए। साइना ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में कहा था कि उन्हें बुरा लगता है जब क्रिकेट को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। उन्होंने बैडमिंटन, टेनिस, बास्केटबॉल को से ज़्यादा मेहनत वाला खेल बताया। साइना ने कहा था कि बैडमिंटन, बास्केटबॉल या टेनिस शारीरिक तौर पर काफ़ी मुश्किल है, वहीं क्रिकेट सिर्फ स्किल्स का खेल है। इस पर अंगक्रुश रघुवंशी ने कमेंट कर दिया था। अब रघुवंशी ने सोशल मीडिया पर माफ़ी मांगी। उन्होंने अपने कमेंट को बचकाना बताया और कहा कि वह इसके लिए शर्मिंदा है। क्रिकेटर ने एक्स पर लिखा, मुझे सभी के लिए खेद है, मैंने अपनी टिप्पणी एक मजाक के रूप में कही थी। पीछे मुड़कर देखने पर मुझे लगता है कि यह वास्तव में एक अपरिचित मजाक था। मुझे अपनी गलती का एहसास है और मैं ईमानदारी से माफ़ी मांगता हूँ। बता दें कि रघुवंशी भारत के लिए अंडर 19 खेल चुके हैं। वे मुंबई की ओर से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। उन्होंने इसी साल कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से IPL डेब्यू किया था। IPL 2024 में रघुवंशी ने 10 मुकाबलों में 163 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने एक अर्धशतक भी लगाया।